अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिश शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं दो दिन से कमेंट्स देख रहा था, रेगुलर देखता रहता हूँ वैसे भी, लेकिन मैं दो दिन से देख रहा था कमेंट्स, तो उसमें काफ़ी देर लोगों ने लिखा था कि भाई आप व्यूज़ के लिए जो है वो वीडियो बनाते हो, और जो आप वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, इस तरीके से जो है वो वर्क वीज़ा नहीं मिलते या इस तरीके से वीज़ा नहीं मिलते जो बता रहे हो, इस तरीके से जो है वो यूरोप जाना मुमकिन नहीं है। तो भाई मैं जो बता रहा हूँ आप वो छोड़ दें, मेरी बातों को छोड़ दें, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर भी मिलेगी, ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आज मैं इटली के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जो है वो इस वक्त 3 से 4 सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा है, हेल्थ केयर में, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में, इसके अलावा जो है वो आईटी में और फूड सर्विस में, ठीक है ना, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा होता हूँ ये तमाम तर वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है, ये रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा होता हूँ। मैं इस वक्त कनाडा में मौजूद हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, तो मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ या उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ आपको बैठ के गलत गाइड करते हैं और सिर्फ आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन कंटेंट पहुँचाऊँ ताकि उसका कोई आपको फ़ायदा हो सके। अप्लाई करना ना करना वो आपका काम है, आप अप्लाई करते हैं, मेरी वीडियो को सीरियस लेते हैं नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा काम होता है कि मैं आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, वैलिड चीज़ बताऊँ जिससे जो है वो आपको कुछ फ़ायदा हो सके। मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में मौजूद हूँ और मैं पूरी दुनिया अभी भी जा सकता हूँ, मेरे पास वैलिड वीज़ास लगे हुए हैं मेरे पासपोर्ट पे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी जो है वो फ़ायदा उठा सकें, और अगर आप पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं तो आप लोग भी मूव हो सकें। तो खैर बैक टू द टॉपिक आते हैं भाई, इटली जो है वो इस वक्त 3 सेक्टर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेबर शॉर्टेज फेस करता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इसके अलावा फूड एंड सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम तरह चीज़ें मैं आपको डिटेल से सिस्टम पे ले जाके समझाऊंगा किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये शायद आपको सिस्टम पे नज़र भी आ रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि इटली के जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो टाइमली मूव कर रहे हैं एब्रोड में, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, इटली को छोड़ रहे हैं, इस वजह से इनको ज़रूरत पड़ती है फॉरेनर वर्कर्स को हायर करने की, वरना इटली को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फॉरेनर वर्कर्स से हायर करेंगे, तो उनके अपने लोग भी कोई कम नहीं है, उनकी अपनी पॉपुलेशन कम नहीं है, लेकिन क्योंकि टैक्सेस की वजह से भी जो है वो इटली को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इटली में भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जिसके बाद यूरोप का पासपोर्ट होता है वो मूव कर जाता है अमेरिका में या कुछ ऐसे कंट्रीज में जिसमें टैक्सेस कम और पैसे ज़्यादा बने, तो इस वजह से इटली को ज़रूरत पड़ रही है फॉरेनर वर्कर्स को हायर करने की। इस वक्त जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है वो इटली ने अनाउंस की हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखें डॉक्यूमेंटेशन इनिशियली सिर्फ 2 चाहिए आपको, एक कवर लेटर और सीवी आपके पास रेडी होनी चाहिए। जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर से आपको ऑफर लेटर मंगवाना है, ऑफर लेटर अगर आपके पास आ जाता है उसके बाद आपका उसके बाद जो है वो आपको BLS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इटली का। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वो आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है, यहाँ से आपको वीज़ा मिलता है, लेकिन जब आप इटली पहुँच जाते हैं वहाँ पर जाके 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है, यानी कि आप उसको जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं टाइमली जब आप इटली में पहुँच जाते हैं। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे, यानी कि CV और कवर लेटर की बेसिस पे ऑफर लेटर मिल जाता है, अगर आपका CV और कवर लेटर प्रोफेशनली बना हुआ होता है। तो अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ, कैटेगरी वाइज मैं आपको समझाता हूँ कि किन किन जॉब्स के लिए किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में जॉब्स मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप आ जाएंगे इन वेबसाइट्स पर, ये वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आपको ईजीली हो जाए। 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, और इस 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अगर आपने प्रॉपर तरीके से CV भेज दी और कवर लेटर सेंड कर दिया और एम्प्लॉयर तक अपनी बात पहुंचा दी तो आपको इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले आप जब ब्राउज़र पर आके ये टाइप करेंगे तो इटालियन में ये जो है वो उसकी लैंग्वेज होगी, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि कहाँ पर आपको कौन से प्रोविंस में चाहिए, तो बहुत सारे प्रोविंस हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलान में चाहिए तो मैं मिलान में देख सकता हूँ, या मैं सर्च इसको छोड़ देता हूँ, प्रोविंस किसी प्रोविंस में भी मिल जाए मुझे इटली में जॉब चाहिए। अब मैं लिखता हूँ पैकिंग की जॉब चाहिए मुझे, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब ये वापस से इटालियन हो गया, इसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, पैकिंग क्लर्क की जो है जॉब है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो है वो लैटिन में जॉब है, 1200 यूरो से लेकर 1600 यूरो पर मंथ मुझे सैलरी मिलेगी। 3 दिन पहले आप देख सकते हैं ये जॉब पोस्ट हुई है 1 डे अगो। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपल आपने क्लिक किया इसको,
पहले तो आप इसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जिसमें इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई फिक्स टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, फुल टाइम जॉब होगी, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट देख लें, कुछ भी नहीं है, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगी, तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सेक्टर क्या है, फूड इंडस्ट्री के अंदर ये जॉब है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि फूड सेक्टर में जॉब मौजूद है, तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अप्लाई करने का तरीका है सिंपल। अच्छा, सबसे पहले आपने साइन इन अकाउंट बनाना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझसे साइन इन का पूछेगा, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ये देखें, ये आ गया एक फॉर्म, यहाँ पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, आपका नाम, आपका सरनेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी CV यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा और आप उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से ये दूसरी वेबसाइट है। अच्छा, ये देखिए, सारे जो है वो ऑफिशियल डोमेन पे इनके हैं, इटालियन पे IT आप देख सकते हैं, लास्ट में इटालियन डोमेन आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये वेबसाइट है, ठीक है ना, itjobrapiddo.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इसके अलावा एक ये वेबसाइट है infojobs.it, यानी कि इटली, ठीक है। तो ये तमाम वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इन तीनों वेबसाइट्स के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी की जॉब अप्लाई करें, हमें पर फाइंड कर सकते हैं, जो भी जॉब आपको करनी है आप यहाँ पे सर्च में, जैसे मैंने यहाँ पैकिंग लिखा है, अगर आपको कोई और जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, IT की जॉब चाहिए, जो भी रिलेटेड टू। 240,000 जॉब इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएँ। करता हूँ, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, या व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं CV और कवर लेटर के लिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करें किसी भी किस्म का आपका सवाल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।